इन दोनों के फिजिकल और मेंटल रिफ्लेक्सेस एक दूसरे से जेनेटिकली लिंक्ड हैं। एक को अगर चोट लगेगी तो दूसरे को भी दर्द महसूस होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान को काफी ज्यादा जाना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने अपनी इस पॉपुलैरिटी के लिए गोविंदा से एक फिल्म मांग ली थी। जी हाँ, फिल्म जुड़वा अगर आप सबने देखी है तो आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म को रिलीज हुए 26 साल हो चुके हैं। 1997 में आई फिल्म जुड़वा में सलमान खान का चार्म देखने को मिला होगा और आज भी उनका चार्म बरकरार है। इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आए थे। फिल्म को वरुण धवन के पापा डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म अपने दौर की बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म में सलमान से पहले गोविंदा को कास्ट किया गया था, लेकिन सलमान के कहने पर गोविंदा ने इस फिल्म से अलविदा कहा और ये फिल्म मिली सलमान को। इसके बाद जब बीते दिनों फिल्म जुड़वा 2 आई तो इस फिल्म में वरुण धवन का डबल रोल देखने को मिला। बता दें कि इस फिल्म को लेकर कई लोगों ने जमकर तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस फिल्म में उतना मजा नहीं आया। इस फिल्म को बनाया था साजिद नाडेडवाला ने और अब बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई फिल्म जुड़वा 3 भी आने वाली है। जी हाँ, जुड़वा, जुड़वा 2 और जुड़वा 3। अब इन फिल्मों को लेकर फैंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, जहां सलमान खान और वरुण धवन की एक्टिंग को लोगों ने एक दूसरे से कंपेयर किया था, तो वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि डेविड धवन जुड़वा 3 को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में वो सलमान खान के साथ काम करेंगे। इतना ही नहीं, इस फिल्म में सलमान और वरुण दोनों ही एक साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक और बढ़िया एक्टर की एंट्री हो सकती है, जिससे कि जुड़वा 3 की स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट की जाएगी। वेल, आने वाले वक्त में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि एक बार फिर से आपको वही कॉमेडी का तड़का लगाते हुए बड़े कलाकार नजर आएंगे या नहीं। आप कॉमेंट के बताइए कि अपकमिंग फिल्म जुड़वा 3 को लेकर आपका क्या कहना है। बता दें कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट इस साल जल्द ही कर दी जाएगी और अगले साल तक फिल्म की शूटिंग की तैयारियां भी होने लगेंगी।